आज हम सीखेंगे कि कैसे हमने टैक्स कैलकुलेट करना है, किस तरह से हमने कर को कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों, अभी जो असेसमेंट ईयर है, देखो जो हम इनकम कमाते हैं, जो इनकम कमाते हैं प्रीवियस ईयर में, उसका अगले साल टैक्स लगता है। अगर मैंने इस साल 1 लाख का कमाया है तो उसके ऊपर टैक्स अगले साल लगेगा। ठीक है जी, पक्का हो गया? तो देखो हम कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स। देखो बहुत सिंपल सा है कि जितनी भी हमारी इनकम है ना, सबसे पहले है वेतन, सैलरी कह देते हैं। कहीं भी आप शॉप में लगो, किसी फैक्ट्री में लगो, अगर आपको सैलरी मिलती है वो सैलरी इनकम है। उसमें नंबर दो पे आ जाओ, नंबर दो पे आपके हाउस प्रॉपर्टी, आपके हाउस प्रॉपर्टी जो भी है उसके ऊपर जो इनकम आएगी, रेंट आता ना, ठीक है, रेंट के ऊपर। तीसरा है बिजनेस इनकम, आपने कोई अपना काम शुरू किया, गोली टाफी का धंधा शुरू किया, दुकान खोल ली, उससे से कोई इनकम आएगी, उसको कहते हैं बिजनेस इनकम इनकम। और चौथा है कैपिटल गेन, कोई संपत्ति बहुत बड़ी है, शेयर्स खरीदे बेचे उसके ऊपर इनकम। और है अदर इनकम। अब ये जितने भी इनकम है ना, इकट्ठा कर देंगे, क्या कर देंगे, इकट्ठा। तो हम जो अभी जो असेसमेंट ईयर है चल रहा है, असेसमेंट ईयर, इसमें क्या है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है कि इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति है जिसकी इनकम 2 लाख तक है साल में, उसने उसको तनख्वाह भी मिली, उसने अपना रेंट भी मिला उसको, उसका बिजनेस भी है, सारी इनकम इकट्ठी की एक वर्ष की, वो अगर 2 लाख तक है ना, 2 लाख तक एक साल का, नो टैक्स, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा यदि ये इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, यदि सीनियर सिटीजन है, सिटीजन है, सिटीजन है जिसकी उम्र 60 साल की है, इयर्स, एक व्यक्ति है जिसकी 60 साल की है, उसकी 2,50,000 तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, नो टैक्स, नो टैक्स। एक सुपर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर, सीनियर सिटीजन है, सिटीजन है जिसकी उम्र 80 वर्ष की है, इयर्स की है, 80 साल का है वो बूढ़ा, अगर वो 5 लाख कमाता है ना, 5 लाख तक टैक्स इनकम कमाता है साल का, नो टैक्स। ओके, अब हम आगे चलें। ठीक, आगे बहुत सिंपल है, ये तो आपको क्वेश्चन में नहीं आएगा, ज्यादातर ये बहुत कम चांस होता है, पर आपको वैसे नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी आमदन है 2 लाख इंडिविजुअल की, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। अब दूसरा, जिसकी इनकम इससे ज्यादा होगी, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, देख 2 लाख से हो जाए, 2 लाख से कहां तक, 5 लाख का, 2 लाख 1 का, 2 लाख तो फ्री है, 2 लाख 1 से 5 लाख तक इनकम होगी तो इसको लगेंगे 10% टैक्स। मान लो सिंपल सी बात है, 5 लाख में से 2 लाख घटा दो, कितना हो गया, 3 लाख, 3 लाख का 10% है, 30,000। मान लो उसकी 3 लाख है इनकम, 3 लाख में से 2 लाख घटा दे, कितना हो गया, लाख, लाख का कितना 10% है, 10,000। ठीक है, मान लो उसकी है 2.5 लाख, 2.5 लाख में से 2 लाख घटा दे, 50,000, 50,000 का 10% कितना हो गया, 5,000। ठीक है, ऐसे टैक्स, यानी टैक्स ऐसे कैलकुलेट करते हैं। मान ले 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख एक लिख दो से 10 लाख तक, 10 लाख पक्का है, ये आएगा पेपर में, मैं आपको बताता है। ठीक है, तो इसके ऊपर है 20%। मान लो ये अगर उसके उसकी इनकम है 10 लाख, उसकी इनकम कितना है, 10 लाख,
दो लाख तो फ्री है, काट दो। 2 लाख से 5 लाख तक 10%, कितने हो गए? 5 लाख में से 2 लाख हटा दो, 30 हजार। 30 हजार का 10%, 30 हजार। 30 हजार प्लस 10 लाख में से 5 हजार हटा दो, 5 लाख। 5 लाख का 20%, 5 लाख का 20%, 5 लाख का 10% हो गया 50 हजार। 50 हजार गुना दो, 50 हजार गुना 2 लाख, लाख जमा 30 हजार, 1 लाख 30 हजार लगेगा टैक्स। अगर 10 लाख से भी अधिक है, 10 लाख से अधिक है मोर, तो जितना एक्स्ट्रा है उसके ऊपर 30% है। बहुत सिंपल सी बात है। ओके, अब मैं आपको एक सवाल के कराऊंगा, उसको आप सीखना।